वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ और ये वीडियो मेरे सारे नॉन मेडिकल फ्रेंड के लिए है जो बोलते हैं कि सरकारी अस्पताल में काम नहीं होता है। आप एक बार जो भी सरकारी अस्पताल है, मैं तो अभी फ़िलहाल रिम्स में हूँ, आए और देखे काम होता है या नहीं होता है। बेवजह डॉक्टर को गाली देना बंद करें। और इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं बनाने का। कहाँ पे कमी होती है? कमी होती है गवर्नमेंट के लेवल पे और कमी होती है पॉपुलेशन के लेवल पे। पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, लोड इतना ज़्यादा है, इसलिए सोर्स जो है वो कम पड़ जाती है और इस वजह से जो हौच पौच होता है सरकारी अस्पताल में वो आपको देखने के लिए मिलता है। और प्लस डॉक्टर्स का जो नंबर होता है वो बहुत कम होता है और पेशेंट का नंबर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से ये दिक्कत देखने के लिए मिलती है। तो अभी मैं जस्ट आपके साथ एक पेशेंट का वीडियो शेयर कर रहा हूँ और मैंने उससे परमिशन ली, उसके बाद ही शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए आप इस वीडियो को। हरी मदर टोली, ठीक है, क्या हो, पैसा हमको क्यों देना चाह रहे हो? बस अपना खुशी से। क्या क्या ऐसा दिखा जो तुम खुशी से हमको पैसा देना चाह रहे हैं? बस आपका काम को देख के सर, पैसा देना चाह रहे हैं बस खुशी से, अपना ज्यादा तो दे नहीं सकते। तो सरकारी अस्पताल में पैसा देना सही बात है या गलत बात है, तुम ही बताओ। गलत बात है, देखिए गलत बात क्या है, कोई जबरदस्ती आपसे पैसा मांगे तब हाँ। गलत है, हम अपना खुशी से दे रहे हैं। ठीक है, तुमको पैसा का जरूरत है अभी? हाँ अभी जरूरत तो है, लेकिन है पैसा की जरूरत है, चाहिए चाहिए तो बोलो, हम दे देते हैं। नहीं सर पैसा हमको नहीं चाहिए, तुम लोग बस सरकारी अस्पताल में साफ सुथरा जी जो होता है ना, कहीं थूक दिए ये सब वो सब नहीं करना है। जी बाकी यहाँ तुमसे पैसा कभी कोई नहीं लेगा, हमको पैसा का जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना पैसा है? दो हाथ में दो, हमको दो हाथ में दो, दिखाना नहीं है, दिखाना नहीं, लो रखो वापस से, लो रखो रखो, हम नहीं लेंगे, रखो पैसा को, रखो पैसा रखो ना, तुम पैसा रखो, ठीक है, जो रहा है उसको रखो और जाकर के अपना बाकी इलाज में खर्च करो और 3 महीने के बाद फिर अच्छे से आना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक, चल।